ये नजारा है मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत का, जहां पर टूटी सड़कें और नालियों का निर्माण ना होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर दिखाई देता है। साफ सफाई ठीक ढंग से ना होने की वजह से गंदगी यहां पर साफ दिखाई देती है। यही नहीं, क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट कूड़े घर का नजारा बयान कर रहे हैं। कई बार यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अगवानपुर नगर पंचायत के अधिकारियों से शिकायत की है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या सड़क नहीं बनी, गंदगी बहुत हो रही है, हम चाहते सड़क सही हो, हमें सड़क नहीं बन जा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि शहर से लेकर गांव तक विकास कार्य तेजी के साथ होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, मगर आज भी मुरादाबाद की कई नगर पंचायत ऐसी है जहाँ पर समस्याओं की वजह से स्थानीय निवासी परेशान है। मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत के कुरैशियान मोहल्ले में फैली गंदगी और टूटी सड़कों के कारण स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं। ये वार्ड नंबर 15 मोहल्ला कुरैशियान अगवानपुर। क्या समस्या है? समस्या यह है सर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो है ना, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है साफ सफाई के मामले में। अगर हम खुद अपने हाथ से साफ सफाई करेंगे तो साफ सफाई रहेगी, जबकि यहाँ का जो वार्ड नंबर 15 का जो सभासद का प्रत्याशी ये जीता हुआ है, वो तो खुद इसी लाइन में रहता है। यहाँ तक कि हमने यहाँ की साफ सफाई करी तो साफ सफाई हुई यहाँ ना, तो अभी 3-4 दिन पहले इतना पानी था इस वाली लाइन में कि हम चलने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, उसे सिर्फ अपनी। कितने समय से पड़ी ये समस्या? ये समस्या आज से हमारे जो, जब से मैंने होश संभाला आज तक यही देखा है मैंने, यानी 20 साल हो गए हैं। आज भी हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, तो आते में कतराते हैं, डर बोले यार तुम्हारे यहाँ पे तो हम 20 साल पहले आए थे तब भी ऐसी था और आज भी ऐसी है। सभी का ये कहना है कि क्षेत्र में एक नाला बना हुआ है जिसका निर्माण ना होने की वजह से यहाँ पर गंदगी फैलती रहती है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने यहाँ तक कह दिया कि अब हमारे परिवार की बेटियों से कोई शादी भी नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति यहाँ पर रिश्ते के लिए आता है वह क्षेत्र की गंदगी देखकर यहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के लोग खुद ही नालियों की सफाई और नालियों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का ये कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते और स्थानीय निवासी ही अपने घर के आसपास सफाई का कार्य करने के लिए मजबूर है। कई बार हमने अधिशासी अधिकारी से इस मामले को लेकर शिकायत की है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ है। नाले का निर्माण न होने की वजह से यहाँ पर परेशानियाँ खड़ी हो रही है, लेकिन समस्या का कुछ यहाँ पर गंदगी के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। आपके पीछे ये क्या नज़ारा है? ये नज़ारा जो है लगभग 10-15 साल से नज़ारा है। नगर पंचायत अगवानपुर की आधी आबादी का पानी जो है इसके अंदर आता है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं देता है, जनता काफ़ी परेशान है। अच्छा, बारिश होने पे क्या समस्या होगी? बारिश होने पे घरों से मिलके चलता है इसका पानी। समस्या से शिकायत करते हैं तो क्या करें? शिकायत क्या करनी है, उनके क्षेत्र में खुद दिख रहा है उन्हें, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं करते। सड़कें सारी ऐसी पड़ी हैं, इसका कोई ध्यान नहीं देता है। गंदगी बहुत बहुत ज़्यादा है, बच्चों को काफ़ी सारी बीमारी होती है। जब नवंबर के महीने में बुखार वगैरह डेंगू वगैरह जब आता है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं इसकी, मच्छर वगैरह बहुत हैं, काफ़ी सारी गंदगी है, लेकिन कोई ध्यान, प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है इस चीज़ को। क्या कहना चाहते हैं आप अधिकारियों से? क्या चाहते हैं अधिकारियों से? यही कहना चाहते हैं, अगर नाले का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, जो गंदगी है नालियों की वो सफा होनी चाहिए। और कर्मचारी जो है नगर निगम के, नगर पंचायत के, एक एक दो दो महीने में यहाँ पर आते हैं सफाई करने के लिए। कोई धरना प्रदर्शन करता है तभी सफाई करने के लिए आते हैं, वरना तो कोई नहीं आता। क्षेत्र में एक कूड़ा घर बना रखा है जहां पर पूरे क्षेत्र का कूड़ा डाला जाता है और पास में घर भी हैं। ऐसे में कूड़ा पड़ने की वजह से बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि यहाँ पर समस्याओं को लेकर स्थानीय सभासद और नगर पंचायत के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कई बार यहाँ पर अधिकारी देखने भी आए हैं और आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कराया गया। ये 15 वार्ड है अगवानपुर का। क्या हुआ, क्या समस्या? सर, जितनी भी सफाई कर्मचारी हैं सारी ठेलियां ला करके यहाँ पर डाल देते हैं। ये 15 वार्ड में इतनी ज्यादा गंदगी है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। हम अधिकारियों से एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारे 15 वार्ड में सफाई होनी चाहिए, अच्छी सी सड़क बननी चाहिए, ताकि इस पर ध्यान दें। कितने समय से है ये समस्या आपके? ये समस्या सर करीब 10-15 साल से ज्यादा हो गए। वो वैसी की वैसी गंदगी हो रही थी, पूरा नाला ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई नाले पे कोई गोर नहीं है, पूरी सफाई कर्मचारी इधर ला करके डाल देते हैं सब सामान। अब कम से कम इतना नहीं है, क्या हो रहा है? इतनी बीमारियां फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियां इससे पैदा हो रही है, क्योंकि सारा कचरा ला करके यहाँ पे डाल देते हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे यहाँ के चेयरमैन को और अधिकारियों को, ताकि इसके लिए एक अलग जगह दी जाए। 15 वार्ड में सारा कचरा यहाँ ला के डाल देते हैं, बोले ये नाला पट रहा है, नाला पट रहा है। नाला नहीं पट रहा है सर, ये सिर्फ गंदगी पैदा हो रही है यहाँ पर।
क्षेत्र की समस्या के बारे में जब स्थानीय सभासद से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी राय रखते हुए कहा कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा और इस पर काम भी शुरू होगा। दरअसल ऊपर से बजट की थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से काम रुका हुआ था। इसका टेंडर जो है पास हो चुका है, दो चार दिन में काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। क्षेत्र में जैसे नाली है, नाले हैं, तो उनको लेकर गंदगी लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो क्या आपका आश्वासन है? ये बहुत जल्दी जो है इसका जो है निस्तारण हो जाएगा, दो चार दिन में काम लगने वाला है। ये जो सड़कें बढ़ गई टूटी हुई हैं सब, ये सब दो चार दिन में जो है काम शुरू हो जाएगा। आपकी कोई बात हुई है किसी अधिकारी? हाँ, हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं यो साहब मुराजा शर्मा, वो लोग यहाँ पाए थे, उनके साथ दो चार लोग और भी थे जो जय साहब थे, इन्होंने सड़क वड़के नापी है। इसका जो है बजट बन चुका है, दो चार दिन में काम लगने वाला है बस। कुल मिलाकर मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत के क्षेत्र में समस्याओं की वजह से स्थानीय निवासियों में काफी रोष उत्पन्न हो रहा है। सभी का ये कहना है कि अधिशासी अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान लें और इन समस्याओं का समाधान कराएं।